जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक नया क्राइटेरिया निकाला है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर के लिए उन्होंने कहा कि आपको पहले दो सेमेस्टर पास चाहिए, पूरे पास चाहिए, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 50% क्रेडिट चाहिए तो आपको एडमिशन मिलेगी। ये क्या क्राइटेरिया हुआ भाई, पहले ऐसा नहीं था। पहले यह था कि टोटल आपको 50% क्राइटेरिया चाहिए, एडमिशन मिल जाएगी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को हम देख रहे हैं, उनका नेचर देख रहे हैं कि आए दिन वो अपनी पॉलिसियों में
अपनी पॉलिसी ऐसी करती हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो एंटी स्टूडेंट पॉलिसी निकालते हैं। हम आज जहां कठुआ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, इस नोटिस को, इस पॉलिसी को रोल बैक कराके ही रहेंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब फोर्थ सेमेस्टर के, हमको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगी, तभी मिलेगी जब उनके पहले दो सेमेस्टर पास होंगे और थर्ड सेमेस्टर में 50% क्रेडिट होंगे, जो कि सरासर गलत है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एडमिशन के लिए सिर्फ 50% क्रेडिट चाहिए थे तो उनको एडमिशन मिल सकती थी। यूनिवर्सिटी आए दिन बच्चों को परेशान करती है, आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी। हमें कोई शौक नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट करेगा, हम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, हमारे घर में भी पंखे हैं, हम अपने घर में भी रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारा कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब हमारा कैरियर ही नहीं बचेगा, हमारा फ्यूचर ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे। देखिए हमारे माँ बाप हमें घर से भेजते हैं स्कूल पढ़ने, कॉलेज पढ़ने, यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो उनके पास एक उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ कमाएगा तो हमारे घर की हालत ठीक है। आज हमने प्रिंसिपल को मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम में यह लिखा कि इससे रोल बैक किया जाए और आप मेमोरेंडम दे के हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद हमारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलेगा, हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। प्रिंसिपल मैम ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ ही हैं, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि हम फॉरवर्ड कर देते हैं आपका और अपने तरफ से भी फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर जल्द इस प्रावधान को नहीं बदला गया तो क्या रुख रहने वाला है? जी जनाब, हम प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चों को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टूडेंट एक्शन फ्रंट हीरानगर कॉलेज में भी जाएगा, सांबा कॉलेज में भी जाएगा, आरएसपुरा कॉलेज में जाएगा, हीरानगर कॉलेज में जाएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में जाएगा, जहाँ तक हो पाएगा। अगर हमें भूख हड़ताल भी काटना पड़े, हम भूख हड़ताल भी काटना पड़ेंगे, हमें जे रोड बैक कराके ही रहेंगे।